नमस्कार। आज हम लोग सूरदास जी के पद हरिहें राजनीति पर्याय इसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पद को। हरिहें राजनीति पर्याय, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के परहित दौलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलतु जो होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपन जो और अनिति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सुर जो प्रजा में जाहि सताए। गोपिया उधव से कहती हैं इस पद में कि हरि हैं राजनीति पढ़िया है। देखिए इस पद में हम लोग देखेंगे कि कृष्ण के प्रति उलाहना का भाव है। यहां पे कृष्ण को ताना मारती है गोपिया, कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़िया है, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। कह रही हैं गोपिया के कृष्ण ने वहां जाकर के बहुत राजनीति पढ़ लिया है, राजनीति विडंबना है कि वर्तमान समय में भी अगर हम लोग ये कहते हैं कि बड़ी राजनीति कर रहे हैं तो ये अच्छे रूप में नहीं लिया जाता है, और उस समय भी राजनीति का कुछ कुछ ऐसा ही भाव है, कम से कम इस पद में कर रही है कि हरि है राजनीति बढ़िया है, कि कृष्ण ने बहुत ज्यादा राजनीति पढ़ लिया है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, करे कि हे मधुकर हे भौरे, जैसे ही तुमने पूरी बात बतलाई हम लोग इस बात को समझ गए कि कृष्ण ने वहां जाकर के बहुत ही राजनीति पढ़ लिया, अब वह अपनों के साथ भी राजनीति कर रहे हैं, चतुराई दिखाने लगे। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो वह पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, और अब वहां मथुरा में जाकर के तो वहां तो बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े पंडित हैं, उन्होंने उनको बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ पढ़ा दिया होगा। बुद्धि बढ़ी जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, और उन्होंने जो जोग का संदेश हमें पठाया ना, हमें भिजवाया ना, तो उससे हमें यह पता चल गया कि अब उनकी बुद्धि बहुत पढ़ गई है। एक तो वो पहले से चतुर थे, वहां जाकर के गुरुओं ने उन्हें ग्रंथ पढ़ा दिया और उनकी बुद्धि बहुत ज्यादा पढ़ गई, इसका पता इससे चलता है कि उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजवाया। उद्धव भले लोग आगे के परहित दौलत धाए, और उद्धव जी आप जैसे भले लोग जो दूसरे की भलाई के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं, थोड़ा उद्धव के प्रति भी यहाँ व्यंग है, ये दूसरे एक तो वो चतुर और दूसरे में आ एक बार वो कहे नहीं और आप चले आए दूसरों की भलाई करने, अब अपने मन फेर पाई हैं चल तो जो होते चुराए। कर रही हैं गोपिया उद्धव से कि क्या कृष्ण ने हमें योग का संदेश तो भिजवा दिया, लेकिन क्या कृष्ण हमारे मन को लौटा पाएंगे जो जाते समय चुरा कर लेके चले गए, क्या अब अपने मन फेर पाई हैं चलो तो जो होते चुराए, कि क्या वो हमारे मन हमें लौटा देंगे जो जाते समय चुरा ले गए, तय क्यों अनिति करे आपन जो और अनिति छुड़ाए। करिए उद्धव जी से कह रहे हैं गोपियां, ये उद्धव जी वह व्यक्ति हमारे साथ अनिति क्यों कर रहा है, हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहा है, जो दूसरों को अनिति से छुटकारा दिलवाता है वह हमारे साथ अनिति क्यों कर रहा है, जो दूसरों को अन्याय से छुटकारा दिलवाता है। कृष्ण मथुरा गए हैं, मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने गए हैं ना, उसकी अनिति से मुक्ति दिलाने गए हैं, तो कह रही हैं कि तय क्यों अनिति करें आपन जो और ये अनिति छुड़ाए, कि जो दूसरों को अनिति से मुक्त करता है छुड़ाता है वह हमारे साथ अनिति क्यों कर रहा है। राजधर्म तो यही सूत जो प्रजा न जाहि सताए, राजा का धर्म तो यह है, राजधर्म तो यह है कि वह प्रजा को सताए नहीं, लेकिन यहां तो कृष्ण उल्टा कर रहे हैं, हमारे साथ अनिति कर रहे हैं, यानी जाते समय हमारा हृदय चुरा दे गए, आने का कह के गए आए नहीं, उल्टे जोग का संदेश भिजवा दिए।
तो गोपियों को लगता है कि कृष्ण यहाँ पर अनीति कर रहे हैं, राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इस पद में देखा हम लोगों ने कि गोपियों का कृष्ण के प्रति उलाहना का भाव इस पद में व्यक्त हुआ है।